अल्लाह ताला के रसूल हमारे और आपके आका व मौला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सिर्फ मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया और दूसरा मक्खी की वजह से जहन्नुम में चला गया। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी थे, दोनों एक कबीले के पास से गुजर रहे थे। उस कबीले में एक बुत था। वहाँ के लोगों का ये मानना था जिस पर चढ़ावा चढ़ाए बगैर कोई आदमी वहाँ से नहीं गुजर सकता था। चनाचा उनमें से एक शख्स से कहा गया कि इस बुत पर चढ़ावा चढ़ाओ। उसने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मैं चढ़ावा चढ़ा दूँ। कबीले के लोगों ने कहा कि तुम्हें चढ़ावा ज़रूर चढ़ाना होगा, तुम चाहो मक्खी ही पकड़कर चढ़ावा चढ़ा दो। उस मुसाफिर ने मक्खी पकड़ी और बुत की नज़र कर दी। कबीले वालों ने उसे जाने दिया, चनाचा वो आदमी उस चढ़ावे की वजह से जहन्नुम में चला गया। कबीले के लोगों ने दूसरे आदमी से कहा, तुम भी कोई चीज़ बुत की नज़र कर दो। उस आदमी ने कहा, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल के अलावा किसी दूसरे के नाम का चढ़ावा नहीं चढ़ाऊँगा। कबीले वालों ने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया और इस तरह वो जन्नत में चला गया। नाज़रीन कराम, हम सब लोगों ने एक दिन दुनिया से रुखसत होना है और आखरत में हिसाब भी देना है। कभी भी बुराई का साथ ना दें, चाहे आप कितनी भी मुश्किल में पड़े हों। क्या पता ये आपका आखिरी वक्त हो और आपको जुमाया जा रहा हो।